आईसीसी की जो कल मीटिंग हुई है उसमें दो फैसले ऐसे हुए हैं जिसने इंडियन क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद के मुतल्लिक बीसीसीआई को यूं समझे कि उनके हाथ पैर बांध के पाकिस्तान के सामने फेंक दी है, यानी अब वो किसी भी तरीके से इससे बच नहीं सकते। और यही वजह है कि भारतीय मीडिया इस पर शदीद बरहम है और वो बल्कि जय शाह पे बरस भी रहे हैं कि उन्होंने वहां पे स्टैंड क्यों नहीं लिया। तो ये जो दो डिसीजन है इनमें से जो एक डिसीजन है वो तो शायद उतना क्रिटिकल नहीं है, जो दूसरा डिसीजन है वो ज्यादा क्रिटिकल है। ये दोनों डिसीजन मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहला तो कल से इंडियन मीडिया पे ये खबरें चल रही थी कि आईसीसी का जो बजट अप्रूव होना था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए वो होल्ड पे चला गया है, क्योंकि जी आईसीसी ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की। तो ये गलत खबर है, फैक्चुअली इनकोरेक्ट है, क्योंकि आईसीसी जब भी बजट की डिस्कशन करता है तो बजट की अप्रूवल के बारे में कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं होती। तो इसमें ये कहना कि प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई इसका मतलब है बजट होल्ड पे, ऐसी कोई बात नहीं है। बजट अप्रूव हो गया है और बजट अप्रूव कितना हुआ है, 13 अरब भारतीय रुपए, यानी तकरीबन पाकिस्तानी पैसों में देखा जाए तो ये कोई 40 अरब के करीब पैसे बनते हैं जो पीसीबी को आईसीसी ने दिए हैं चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए, क्योंकि तो बहुत बड़ी रकम है फाइनेंशियली। तो अब 40 अरब रुपए अगर उन्होंने पीसीबी को दिए हैं तो क्या अब वो कल को पीसीबी इस 40 अरब रुपए से जब तैयारी करेगा, होस्टिंग के लिए हर कुछ करेगा, तो उसके बाद आईसीसी क्या पीछे हट सकता है? यानी सारा बजट अप्रूव करने के बाद वो आखिरी लम्हे पे कहेंगे नहीं पाकिस्तान नहीं हो रहा, कहीं और हो रही चैंपियन ट्रॉफी, तो ऐसा लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो फिर इंडिया कह के हम नहीं खेलते, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईसीसी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई एक टीम विदड्रॉ कर ले। दूसरी जो बात है वो शायद ये जो मैंने पॉइंट बताया है इन्वेस्टमेंट वाला, ये पैसे वाला, ये बजट वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अब बीसीसीआई के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस थ्रेट रहेगा, क्योंकि अगर बीसीसीआई ने वाकई पाकिस्तान से होस्टिंग लेनी थी या हाइब्रिड मॉडल पे जाना था तो उसके लिए बेस्ट तरीका उनके पास यही था कि वो बजट अप्रूव ना होने देते और बजट के अंदर कट लगवाते कि पहले हाइब्रिड मॉडल डिस्कस करके पाकिस्तान में जितने के मैचेस होने थे उतने का बजट अप्रूव करवाते और बाकी बजट किसी और क्रिकेट बोर्ड को जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ, सारा का सारा बजट पीसीबी को मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफीट है। जो दूसरी चीज है वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीसीसीआई जो था उनकी पूरी कोशिश थी कि इस मीटिंग के अंदर हाइब्रिड मॉडल को टेबल पे लाया जाए, बट आईसीसी ने कहा कि नहीं, इसके एजेंडा में तो हाइब्रिड मॉडल है ही नहीं, तो इसलिए इसमें तो हाइब्रिड मॉडल पे कोई डिस्कशन नहीं होगी। चलो, यहां तक भी ठीक था। अब जो इंपॉर्टेंट बात हुई वो आगे हुई। अब जब आईसीसी की ये मीटिंग खत्म हुई उसमें कोई हाइब्रिड मॉडल पे डिस्कशन ही नहीं हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब एक आईसीसी मीटिंग खत्म होती है और उसके मिनट्स लिखे जाते हैं और फिर उसी मीटिंग के एंड पे जो अगली मीटिंग होती है उसका एजेंडा, उसका शेड्यूल सेट किया जाता है कि अगली मीटिंग जब होगी तो उसमें क्या डिस्कशन होगी। तो अब बीसीसीआई की कोशिश ये थी कि उस मीटिंग में भी ये शामिल करवा ली जाए कि वो जब मीटिंग होगी तो उसमें हम हाइब्रिड मॉडल पर डिस्कस करेंगे और उस पर बातचीत होगी। तो अगर ये चीज आईसीसी मान जाती तो फिर इंडिया के लिए अगली मीटिंग में इस टॉपिक पर डिस्कस करना और बाकी बोर्ड को साथ मिलाना ईजी होता, बट वहां पे जो आईसीसी की लीगल टीम थी उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल की डिस्कशन का कोई क्लॉज ही नहीं है आईसीसी के अंदर और हम इसलिए इसको शामिल नहीं कर रहे। अब ये बहुत बड़ी बात है, अगर आईसीसी की लीगल टीम ये कह रही है कि हाइब्रिड मॉडल को डिस्कस करने का कोई क्लॉज ही नहीं है, हाइब्रिड मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करता आईसीसी के लॉ के अंदर, तो फिर जब आईसीसी के लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता और बीसीसीआई की इतनी बात ही नहीं मानेगी कि इसके ऊपर डिस्कशन की जाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि कल को इंडिया के प्रेशर के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन आईसीसी का रिवाइज किया जाए और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लॉज शामिल की जाए और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करवाई जाए और फिर उसको अप्रूव किया जाए? तो वो कहानी बहुत लंबी है, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। तो ये जो दो डिसीजन हुए हैं इन दोनों डिसीजन ने मुझे लगता है कि ये जो एक थ्योरी थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा उसके कफन में आखिरी कील ठोंक दिया है, और अब लगता यही है कि इंडिया की टीम को हर हाल हर सूरत में पाकिस्तान का टूर करना पड़ेगा।